डी स्टूडेंट्स वेलकम बैक। तो लास्ट डे हमने टॉपिक किया था स्वैप स्पेस का, उसका एक प्रैक्टिकल रह गया है जिसको हम नेक्स्ट डे कर लेंगे, ठीक है। तो आज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, उसका नाम है माउंट पॉइंट, ठीक है। माउंट पॉइंट क्या होता है, एक्सप्लेन। अ माउंट पॉइंट इज ए रूट डायरेक्टरी और एन एम्प्टी डायरेक्टरी दैट एक्सेस द फाइल सिस्टम और अटैच द फाइल सिस्टम और पार्टीशन। अब देखो माउंट पॉइंट क्या होता है, एक रूट डायरेक्टरी होती है, एक रूट फोल्डर भी बोल सकते हैं या एक खाली फोल्डर भी बोल सकते हैं, और एन एम्प्टी डायरेक्टरी एक खाली डायरेक्टरी होती है दैट एक्सेस द फाइल सिस्टम, जो फाइल सिस्टम को एक्सेस करती है, और अटैच द फाइल सिस्टम और पार्टीशन इन लिनक्स। और अगर सिंपल से शब्दों में कहें तो वो क्या करता है, माउंट पॉइंट अटैच करता है हमारे फाइल सिस्टम या पार्टीशन को लिनक्स में, ठीक है। समझ गए, माउंट पॉइंट क्या होता है, एक रूट डायरेक्टरी होती है ना, जो क्या करती है, अटैच करती है एक फाइल सिस्टम को या बोल सकते हैं कि पार्टीशन को लिनक्स में। अ फाइल सिस्टम ऑर्गेनाइज ऑल द डायरेक्टरीज एंड फाइल्स इनटू अ पार्टीशन। अब ये जो फाइल सिस्टम होता है वो करता क्या है कि जितनी भी डायरेक्टरीज हम बाद में बनाते हैं ना, या फाइल्स बनाते हैं, उनको सेव करते हैं पार्टीशन के अंदर, उनको ऑर्गेनाइज करके रखता है। आगे मैं आपको एक प्रेजेंटेशन में दिखा दूंगा कि माउंट पॉइंट क्या होता है, कैसे बनती है डायरेक्टरी, वो कैसे फाइल सिस्टम को एक्सेस करती है, ठीक है। टू डिस्प्ले पार्टीशन, अगर हमने लिनक्स में या उबंटू में पार्टीशन को डिस्प्ले करना हो तो उसके लिए कमांड रहती है हमारे पास टर्मिनल में, हम ये कमांड लगाएंगे एफ डिस्क स्पेस माइनस एल, ठीक है। इससे जितनी भी हमारी पार्टीशन होंगी ना बनी हुई, अब ये तो पता ही है कि लिनक्स में जो पार्टीशन होती है वो सी डी ई एफ में नहीं नजर आती है, वो ऐसे नजर आती है /DEB/SDA1 /DEB/SDA2। अब यही कंप्यूटर में, ये सॉरी विंडोज में जो है ये सी नजर आएगी और ये डी नजर आएगी, लेकिन लिनक्स में ये ऐसे नजर आती है, ठीक है। तो एफ डिस्क स्पेस माइनस एल से ये हमें इस तरह से जो भी पार्टीशन होगी हार्ड डिस्क की वो इस तरह से डिस्प्ले होगी, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ता है, बाद में क्रिएट रूट डायरेक्टरी, उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, एक रूट डायरेक्टरी बनाना पड़ती है, मतलब कि इन पार्टीशंस को हम जोड़ेंगे एक रूट डायरेक्टरी के साथ। तो इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है कि पार्टीशन तो हमारी बन जाती है लिनक्स में, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक खाली फोल्डर बना लेते हैं, एक रूट डायरेक्टरी बना लेते हैं, MKDIR सुनील, मैंने सुनील नाम से एक रूट डायरेक्टरी बना ली, ठीक है। नाउ अटैच रूट डायरेक्टरी विद फाइल सिस्टम और पार्टीशन विद माउंट कमांड। फिर हम क्या करते हैं, इस रूट डायरेक्टरी को इन पार्टीशन के साथ जोड़ देते हैं, यानी कि इस पूरे की पार्टीशन को हम फाइल सिस्टम बोल देते हैं ना, क्योंकि फाइल सिस्टम ही ऑर्गेनाइज करता है। फिर बाद में हम क्या करते हैं, माउंट कमांड लगाएंगे और एक एक पार्टीशन को क्या कर देंगे, माउंटिंग कर देंगे, मतलब इस रूट डायरेक्टरी के साथ पार्टीशन को जोड़ देंगे। यही काम है माउंट का, और ज्यादा नहीं है। विंडोज में इसको हम फॉर्मेट बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको मैं एक प्रेजेंटेशन में दिखाता हूँ। अब हम क्या करेंगे, MKDIR से सुनील नाम की मैंने एक रूट डायरेक्टरी बना दी, ठीक है, एक खाली फोल्डर बना दी। उसके बाद इस खाली फोल्डर को हम अटैच करेंगे फाइल सिस्टम के साथ, यानी कि पार्टीशन के साथ। उसके लिए हमारे पास कमांड होगी माउंट /DEB/SDA1, ये पहली पार्टीशन है, ये फाइल सिस्टम, ठीक है, पूरा का पूरा फाइल सिस्टम, मतलब कि EXT2 भी हो सकता है, EXT4 हो सकता है, क्योंकि लिनक्स के फाइल सिस्टम अलग अलग हैं, उनके नाम अलग अलग हैं, ठीक है। अब ये फाइल सिस्टम को हम जोड़ रहे हैं माउंट कमांड से, ठीक है। फिर फाइल सिस्टम के अंदर हम क्या करेंगे, अब देखो इस रूट डायरेक्टरी के अंदर ये सारे की सारी फाइल्स आएंगी, यहाँ पे लिखा हुआ है ना को फाइल सिस्टम, क्योंकि फाइल सिस्टम को हम जोड़ देते हैं एक रूट डायरेक्टरी के साथ। अब इसके अंदर सारे के सारे फोल्डर भी होंगे और फोल्डर के अंदर फाइल्स भी होंगी, ये चीज है। और यही काम जो होता है वो विंडो में फॉर्मेट कमांड से होता है। ये देखो यहाँ पे कंप्यूटर में क्या होता है, जैसे विंडो की इंस्टॉलेशन करते हैं ना, हमने की भी थी और पार्टीशन भी की थी, और पार्टीशन विंडोज में हमने पार्टीशन भी की थी, और वो पार्टीशन इस तरह से बनी थी, ठीक है। अब इन पार्टीशन को क्या करते हैं, हम फॉर्मेट करते हैं, ठीक है। फॉर्मेट में इस तरह से हमने फाइल सिस्टम सेलेक्ट किया होता है और स्टार्ट कर देते हैं ऐसे, तो ये यहाँ पे पूरी की पूरी लाइंस जो होती है वो डिस्प्ले नहीं होती, सिर्फ ई नजर आता है। जैसे फॉर्मेट करते हैं तो पूरी की पूरी इस तरह से ड्राइव बन जाती है, पार्टीशन बन जाती है, सेम वही चीज यहाँ पे थी लिनक्स, ठीक है। तो आज के लिए हमारा कॉन्सेप्ट यही काफी था,
कल हम फिर नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक आप सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय हिमाचल।